काहे अपने साथ इतना बड़ा धोखा किए, काहे किए? हमको तो विश्वास ही ना हो रहा है कि लड्डू के भैया ये सब कर सकते हैं। भाभी जी बैल पूंछ उठाएगा तो गाना नहीं गाएगा, गोबर ही करेगा। जिस आदमी की फितरत में धोखा देना है भाभी जी, तो वो धोखा ही देगा। पार्वती जी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अभी जी एक्चुअली वो तिवारी जी की जो हरकत है उसको लेकर मैं बहुत अपसेट, बहुत अपसेट। बस नींद नहीं आ रही थी, बार बार तिवारी जी का और गुरफाम कली का जिसमें मतलब चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं क्या गुजर रही होगी आप पे, तो बस आपका हाल चाल पूछने चला आया। हाल चाल कछु ठीक ना ही है, कछु ना ही। भाभी जी मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ, बल्कि महसूस कर सकता हूँ। जिस आदमी की आपने देवता समझ के पूजा की, वो इतना बड़ा शैतान निकलेगा आप सोच भी सकते होंगे ना? ना ही, हम तो सपने में भी ना ही सोचे थे कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। देखिए भाभी जी, भगवान जो करता है ना सही करता है, बिल्कुल सही करता है। भगवान को मंजूर नहीं था कि आपकी शादी इस आदमी के साथ हो, तभी उस पंडित ने गलत मंत्र पढ़ दिया। देखिए आपने अपना मन बना लिया है तो चेंज मत करिएगा प्लीज। सुबह उठते कहीं लड्डू के भैया प्लीज डोंट डू दिस, राइट? बी अ स्ट्रांग गर्ल। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुड, हमारा तो विश्वास ही उठ गया है इस शादी पर से। हम जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, गांव लौट जाएंगे, अम्मा जी के साथ रहेंगे, वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे। प्लीज डोंट टॉक अबाउट मरने की भाभी जी, डोंट डू दैट। अब भाभी जी गांव जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहिए। लेकिन यहाँ किसके सारे जिएंगे हम? मेरे सारे जिए? क्या बोले? मतलब मेरे और अनु के सारे, हमारे सारे जिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं भरभूती जी, ना ही हमसे ना ही होगा। ये घर में हमरे कितने पुराने मुरमुरे हैं। वो मुरमुरे नहीं, वो मेमोरीज होते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं हमरे, बहुत पुरानी यादें हैं। हम तो चैन से जी ना ही पाएंगे अभी। यहाँ भाभी जी डोंट वरी, आप मेरे घर आकर रहिए ना, मेरे साथ रहिए, मतलब मेरे घर में आकर रहिए, हमारे साथ रहिए। हमरी तो कुछ समझ ही ना ही आ रहा है, क्या करें? अभी आप जाइए भरभूती जी, हमको कुछ सोचने दीजिए। भाभी जी जरूर सोचिए, बिल्कुल सोचिए, और अपनी सोच में आप हमें शामिल रखिए। अभी कहीं कोने में वो खड़ा हुआ मुस्कुराता रहूंगा, ऐसे ब्लश करता रहूंगा। क्या बोले? अभी देखिए आपने जो सोच लिया है ना, उस पर अटल रहिएगा, ठीक है ना? ठीक बा, गुड नाइटी। भाभी जी नाइटी तो पहनती नहीं, खैर फिर भी गुड नाइट। ऐसे ही पकड़े हैं, अभी जाइए। अरे भाभी जी बाय। हाँ बाय बाय। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपने जो कुछ भी कहा है
वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।